आइए बंधुओं, आज एक ऐसी दवा के बारे में चर्चा करें जो बहुत ही उपयोगी आम लोगों के काम और प्रैक्टिस में हमेशा काम आती है। उस दवा का नाम है काकुलस। इसमें क्या विशेषता है? हमारे आपके जीवन में बहुत से ऐसे रोगी मिलते हैं जिनको बस में चलने में, सफ़र करने में, नाव में चलने में, चार पहिए के वाहन में चलने में अक्सर उल्टी हो जाया करती हैं, जी मिचलाता है, भोजन कट के नहीं जा पाते, चलते हैं रास्ते में उल्टी हो जाती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। और ऐसे रोगी प्रायः बहुत से मर्जों पर या बहुत से परेशानियों से जीवन में गुजरते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि ऐसा लक्षण किसी महिला में, पुरुष में, बच्चे में यदि हमें आपको देखने को मिलता है तो उसकी एक होम्योपैथी में एक खास दवा है जिसका नाम है काकुलस। इस दवा का प्रयोग इस लक्षण में करने से हमारे आपके जीवन में जो बहुत सी परेशानियां होती हैं या बहुत से मरीज इस लक्षण के साथ कई रोगों से ग्रसित रहते हैं, उसको ये लक्षण देख करके हम इस काकुलस से बहुत से लक्षण उस रोगी के ठीक कर सकते हैं। जैसे नंबर एक, यदि किसी रोगी में ये लक्षण विशेष तरह से प्रबल है और उसको ग्रीवा में अर्थात गर्दन के पीछे मसल्स में दर्द रहता है अथवा उसको सर दर्द होता है अथवा उसको कोई भी परेशानी होती है, शरीर झुंड हो जाता है, शरीर में कहीं भी जकड़न होती है, तो हम इस दवा को प्रयोग करके इस बीमारी से उसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये लक्षण उल्टी का उसके अंदर है और उसकी कमर में दर्द होता है, चलने में परेशानी होती है, तो हम इस लक्षण के आधार से उसको कमर के दर्द ठीक कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि ये लक्षण है और उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है, गर्भ के समय उसकी उल्टी की शिकायत होती है, तो हम इसी दवा को प्रयोग करके उसके गर्भ की उल्टी ठीक कर सकते हैं। यदि ये लक्षण उल्टी वाला उसको मौजूद हो तो और उसके साथ में कहीं पर शरीर में लकवा की शिकायत हो अथवा हाथ पांव झुंड हो जाते हों, किसी अंग का पक्षाघात हो जाता हो और यदि लक्षण ये बस में उल्टी का मौजूद है तो हम इस दवा को प्रयोग करके उसका सारा पक्षाघात और उसके हाथ पांव में झुन्नी उसको हम ठीक कर सकते हैं। बंधुओं, ऐसे रोगी जिनको उल्टी होती है अक्सर रात में नींद नहीं आती अथवा रात जागरण हो जाता है जिससे तबीयत खराब हो जाती है, यदि ये उल्टी का लक्षण ऐसे रोगी में मिलता है तो हम उसको भी काकुलस से इसको पूर्ण तरह से ठीक कर सकते हैं। सर में चक्कर आता है और यदि बस में उल्टी का लक्षण मौजूद है तो हम हर प्रकार के इस चक्कर को इससे दूर कर सकते हैं। आगे चलें, ऐसे रोगी यदि किसी कारण से रात में सो नहीं पाते अथवा रात में जागरण करते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं और उनके अंदर ये लक्षण प्रबल रूप से विराजमान है कि बस में उल्टी होती है, तो हम उसकी सारी परेशानी इस लक्षण के आधार से काकुलस दवा से हम ठीक कर सकते हैं। यदि ये उल्टी का लक्षण उसके अंदर मौजूद है
और उसको सर दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लगती, खाना देख करके जी मतलाता है। और यदि ये लक्षण बस की उल्टी का उसके अंदर विराजमान है तो हम इस लक्षण को देख करके उसके सारे ये रोग ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जिनके अंदर ये लक्षण विराजमान है और उसकी आँत उतरने की शिकायत है, अथवा उसको ऐसा लगता है कि हमारी आँत उतरने वाली है, बार बार आँत में हाथ लगाता है, अथवा नाभि की आँत उतरने के लायक है या उतरने की शंका है, और उसके अंदर बस में लक्षण उल्टी का विराजमान है, तो हम इस दवा से उसकी उल्टी ठीक कर सकते हैं और साथ साथ में उसकी नाभि का हटना अथवा आँत उतरना भी इससे ठीक हो सकता है। ऐसे रोगियों को अक्सर पेट में, लीवर में सूजन हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसके पेट में बहुत से कुछ कड़ापन आ जाता है, या कुछ ऐसा लगता है जैसे नुकीली चीज़ें भरी हों, और उसका लीवर ख़राब रहता है, भूख नहीं लगती है, गैस बनती है। और यदि उल्टी का लक्षण बस में मौजूद है तो हम इस लक्षण के आधार से उसकी सारी पेट की शिकायतें ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जो बस में जिनकी उल्टी हो जाती है, उनको शरीर में दर्द रहता है, हाथ पांव में खींचन होती है, बात लगती है, घुटने में दर्द होता है, तो हम इस लक्षण के आधार से उसके बात का लक्षण घुटने में लगता है, शरीर में लगता है, हाथ पांव में खिंचाव होता है, तो हम उस लक्षण के आधार से उसको आकुलस दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। सर के पिछले भाग में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द होता है, हाथ की भुजाओं में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, और उसके अंदर ये लक्षण उल्टी वाला जो बस में उछलने से उल्टी हो जाती है, यदि प्रबल रूप से ये विराजमान है तो हम इस दवा से उसके सारे ये लक्षण दूर कर सकते हैं। ऐसे रोगियों में यदि उनके पेट में ऐसा लगता है जैसे नुकीले पत्थर भरे हों, पेट कड़ा हो, और उसके अंदर ये उल्टी का लक्षण मौजूद हो, तो हम उसको ये दवा देकर उसके सारे लक्षण दूर कर सकते हैं। ऐसे रोगियों को चलने में टांगों में कड़कड़ाहट होती है, साथ में शरीर कांपता है, और निम्न अंगों में दुर्बलता होती है, चलने में कंपन रहता है, झुंड रहता है, तो हम इस लक्षण के आधार से ऐसे रोगियों को ये दवा दे करके ठीक कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी ऐसा लगा हो जैसे कि खोखलापन हो गया है, अंदर खाली हो गया है, पेट में जैसे खालीपन है, मस्तिष्क में खालीपन है, कहीं भी अंग में ऐसा लगे कि अंदर खाली खाली सा लग रहा है, उसकी ऐसी अनुभूत रोगी बताता हो, और उसके अंदर बस में उल्टी का लक्षण मौजूद हो, तो उसके सारे लक्षण ये दूर किए जा सकते हैं। किसी कारण से ऐसे रोगियों को नींद ना आती हो, रात में जागरण हो गया हो जिससे उनकी तबीयत खराब रहती हो, या कुछ दिन रात का काम करते करते उसकी नींद गायब हो जाए, सर में चक्कर आने लगे, जी मतलाने लगे, तो हम इस दवा को उस लक्षण के आधार से दे करके उसकी तबीयत को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। शरीर का कोई भाग जाम हो जाए, कड़ापन हो जाए, और उसके अंदर ये उल्टी वाला लक्षण मौजूद हो, तो हम इस दवा से ये भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जो अपने भुजाओं में दर्द बताते हों, सीने में दर्द बताते हों, अथवा कहीं भी जकड़न बताते हों, और उनके अंदर ये बस में चलने का उल्टी का लक्षण मौजूद हो, तो हम सारे ये लक्षण इस दवा से ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब है, यदि ये लक्षण बस में उल्टी का लक्षण मौजूद हो, उसके शरीर में कहीं भी कोई परेशानी हो, जैसे गले में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जांघों में दर्द है, चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, आदि आदि, हम इस लक्षण के आधार पर इस दवा का प्रयोग करके उसकी सारी परेशानी ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जब चलते हैं
तो उनके पैर में घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ होती है, और इसके साथ में यदि ये उल्टी का लक्षण बस में चलने में उल्टी का लक्षण मौजूद हो तो उनकी सारी टाँगों की परेशानी, ये आवाज़ बहुत चंद ही दिनों में, कुछ चंद रोज़ में इस दवा का प्रयोग से ठीक हो जाती है। पाँवों के तलवों में झुन्नी हो जाती है, जब चलते हैं तो उनको झुन्न सा महसूस होता है, या कुछ देर बैठे रहते हैं और झुन्न हो जाते हैं, और उनके अंदर यदि ये काकुलस का प्रबल लक्षण जो बस में चलने में उल्टी यदि मिल जाए तो उसके सारे परेशानी हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जो अपना पैर फैला के बैठ तो जाते हैं लेकिन सिकोड़ नहीं पाते, उनको हाथ लगाकर सिकोड़ना पड़ता है, और उनके अंदर ये काकुलस का लक्षण बस में उल्टी हो जाना यदि मौजूद हो तो हम सारे उसके पैर के अकड़न इस दवा से हम ठीक कर सकते हैं। ऐसी रोगणियाँ जिनके अंदर ये लक्षण मौजूद हो और MC में कोई शिकायत हो जाए, अथवा MC होते होते MC बंद होकर के केवल सफ़ेद पानी आने लगे, तो सारी बीमारी हम इस काकुलस दवा से ठीक कर सकते हैं। ऐसी माताएं बहनें जो MC के समय बहुत ही कमज़ोरी हो जाती है, यहाँ तक कि उनका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, भयंकर कमज़ोरी महसूस करती हैं, और उनके अंदर ये लक्षण प्रबल रूप से विराजमान हो कि बस में चलने से उल्टी हो जाती है, ऐसा लक्षण यदि उनके अंदर मिल जाए तो सारी MC की परेशानी इससे ठीक हो जाती है। ऐसी माताएं जो संतानहीन हैं, जिनको संतान उत्पन्न नहीं हो रही, MC सही समय पर नहीं हो रही, या MC बहुत कम हो रही है और बस में उल्टी चलने का हो जाने का लक्षण मौजूद है, तो हम इस दवा से MC को ठीक करके उसको गर्भ अवस्था में प्रवेश करा सकते हैं। MC की जगह खून ना आकर के सफ़ेद पानी की शिकायत हो जाए और उनके अंदर ये प्रबल लक्षण बस में चलने में उल्टी होना मिल जाए तो हम सारी MC की परेशानी पुनः उसको सही रास्ते में ला सकते हैं। ऐसी माताएं जिनको MC में खराबी आ जाने के कारण बांझपन रह जाता है, बच्चा गर्भ में नहीं आ पाता और उनको बस में उल्टी हो जाती है, तो ऐसे रोगियों को हम ये दवा करके उनका जीवन बदल सकते हैं। ऐसे रोगी जो पेट में गैस की शिकायत करते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, बायगोला की शिकायत हो जाती है, लेकिन उनके अंदर ये लक्षण बस में उल्टी का मौजूद हो तो उनकी सारी पेट की परेशानी, उनमें गैस बनना, पेट के अंदर कड़ापन महसूस होना, बहुत टाइटपन होना, ये हम इस दवा से दे करके उनको इस रास्ते में सही रास्ते में ला सकते हैं। ऐसे रोगी जिनका लीवर में कड़ापन आ जाता है, ऐसा अनुभूत करते हैं कि हमारे लीवर में जैसे अंदर पत्थर भरे हों, कड़ापन होता है, तो हम ऐसे रोगी जिनके अंदर ये उल्टी की शिकायत बस में चलने पर हो तो उसका हम लीवर इस दवा से हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जो हिस्टीरिया से ग्रसित हों, मिर्गी से ग्रसित हों और उनको बस में उल्टी हो जाती हो तो हम इस दवा से प्रयोग करके उनका हिस्टीरिया ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जिनको बस में उल्टी की शिकायत है, उनकी भूख छिन्न हो जाए, रोटी देख करके जी मत लाने लगे, पेट में अफारा हो जाए, तो हम इस दवा को प्रयोग करके उसकी ये पेट की शिकायत ठीक कर सकते हैं। बस में चलने से बैठते ही कुछ दूर चलने से उसका जी मतलाने लगता है, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे रोगी को चाहिए कि उसको काकुलस पहले ही एक दिन दे दिया जाए, और जब बस में चले तो उसको ये दवा लेकर चले, बार बार जैसे जी मतलाए लेती रहे तो पूरे सफ़र में उसकी यात्रा हो जाएगी और वो उल्टी से बच जाएगी और उसका जीवन बदल जाएगा। सिर दर्द की शिकायत रहती हो, जिसके साथ में चक्कर आता हो, मिचली होती है और उसको बस में चलने में उल्टी हो जाती हो, तो ऐसे रोगियों को ये दवा देने से उसके चक्कर, उल्टी, सर में दर्द आदि सभी कुछ ठीक किया जा सकता है। यदि किसी कारण से रात का जागरण हो जाए, एक आध दिन हमें जगना पड़े और हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाएं, जैसे रात में
न सोने कारण सर दर्द हो जाए, जी मितलाए, भूख न लगे, खाना की महक से उल्टी हो जाए, रजोधर्म में गड़बड़ी हो जाए, सिर पेट आंतों छाती हृदय आदि में दर्द हो जाए, खालीपन महसूस हो, नींद न आए, पक्षाघात हो जाए आदि सभी बीमारियां रात जागरण के कारण जो हो जाती हैं, उनमें हम इस काकुलस दवा को दे करके उस मरीज की सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। शरीर के किसी अंग में खालीपन महसूस होना, जैसे सिर में खाली महसूस होना, पेट में खालीपन, आंतों में खालीपन, छाती में खालीपन, हृदय में खालीपन की अनुभूति रोगी बताए और बस में चलने से उसको उल्टी हो जाती हो, तो ये सारा खालीपन का होना, महसूस होना हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। हाथ पैरों का कांपना, शरीर चलने में लड़खड़ाना, जोड़ों का अकड़ जाना, कड़ापन जाना, जोड़ों में कटकट की आवाज़ आना, यदि ऐसा लक्षण हो और उसको उल्टी बस में चलने से हो जाती हो, तो इस लक्षण के आधार पर उसके हम सारी परेशानियाँ ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जब रात में सोते हैं तो उनका शरीर अकड़ जाता है, सवेरे उठने में उनको परेशानी होती है, और ऐसे रोगी यदि बस में उल्टी का लक्षण उनके अंदर मौजूद हो, तो ये अकड़न हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। ऐसे रोगी जिनको सर दर्द के साथ मिचली हो अथवा मानसिक खराबी के साथ मिचली होती हो, कमजोरी या लकवा की स्थिति में मिचली होती हो, सर में चक्कर के साथ मिचली होती हो, सफर में परेशानी के साथ मिचली होती हो, नींद न आने के साथ मिचली होती हो, और उसके अंदर ये लक्षण बस में चलने पर उल्टी हो जाती हो, तो ये सारी मिचलियाँ के साथ में जो रोग हैं हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो रात रात भर जाग करके पढ़ते रहते हैं, अंत में किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे कामदार लोगों को हम इस दवा से ठीक कर सकते हैं। यदि बस में उल्टी होने का लक्षण मौजूद हो और उसके अंदर कोई चर्म रोग हो, जैसे फंगस इन्फेक्शन हो जाए, दाद हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो इस दवा के साथ में एक और दवा है जिसका नाम है पेट्रोलियम, ये भी बस में चलने से उल्टी में काम आती है। तो यदि चर्म रोग कोई लगा हो और बस में उल्टी हो जाती हो, तो हम इन दोनों दवाओं का एक साथ प्रयोग करके उसके सारे चर्म के लक्षण इस पेट्रोलियम से और काकुलस से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चर्म रोगों की दवा हैं। ये दोनों दवाइयाँ को हम थोड़ा सा अगल बगल दे करके, आसपास दे करके, कुछ देर बाद दे करके, दोनों का अलग अलग या एक साथ में प्रयोग करके हम उसके चर्म रोगों पर विशेष उसका जो चर्म रोग होते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, अथवा अकौता है, या और अन्य कोई प्रकार का इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, तो हम इन दो दवाओं का, जिनके अंदर ये लक्षण प्रबल रूप से होता है कि बस में उल्टी हो जाती हो, तो हम पेट्रोलियम और काकुलस दवा को प्रयोग करके इनको ठीक कर सकते हैं। एक तीसरी दवा है और है जिसका नाम है थायरोडिनम। यदि इन दोनों दवाओं से काम न चले और उसको कोई जटिल बीमारियां हो अथवा शरीर मोटा हो रहा हो या कमजोरी आ रही हो और उसका थायराइड प्रभावित हो, तो हम थायरोडिनम भी इसके साथ दे करके उसके सारी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है और ये थोड़ा सा गहन बात है। तो पहले हम काकुलस और पेट्रोलियम का प्रयोग करें, इसके बाद भी यदि रोग पर काबू नहीं मिलती, तो हम साथ में थायरोडिनम 30 नंबर की दवा दे करके उनको हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा हमारा अनुभव है। हम चाहते हैं कि आप भी इस हमारे अनुभव पर ध्यान दें और अपने रोगियों को, जिनके अंदर ये लक्षण प्रबल रूप से मौजूद हो, उनको सारे लक्षण इस पेट्रोलियम से, काकुलस से और थायरोडिनम से दवा दे करके हम उनके जीवन को बदल सकते हैं। ऐसी हमारी धारणा है, ऐसा हमारा अनुभव है। आप भी इसको
अनुभव करें, जीवन में रोगियों को फायदा पहुंचाएं और अपने को धन्य का धन्यता महसूस करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।